एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं नहा ली हूँ, जो मतलब अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, 11:30 बज रहा है और अभी दिवाली, दशहरा सब कुछ आने वाला है, तो घर में थोड़ी साफ सफाई भी चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है आजकल नहाने वाने में। तो मैं नहा के अभी जस्ट नहाई हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पूजा किया। पता नहीं पीछे से मंदिर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये हमारा छोटू सा मंदिर है और मैं अभी जस्ट पूजा की, मतलब ज़्यादा तो नहीं करती हूँ पर अभी ठीक, थोड़ा सा मैं थोड़ा ही करती हूँ, ज़्यादा देर तक पूजा नहीं करती हूँ। और अभी थोड़ा सा सफाई वफाई भी की और उसके बाद मैं बहुत सारा कपड़ा उपड़ा था धोई और अब चल रही हूँ छत पे और आप सभी को दिखाती हूँ। और क्या ना कि थोड़ा सा आवाज़ मेरा स्लो जा रहा है इसलिए कि बाहर से ना मतलब आवाज़ आ रहा है और मोटर चलने का, तो क्या कर सकते हैं, मतलब रेंट में रहने में ना बहुत सारी परेशानी होती है, तो वही है और कुछ नहीं है। तो चलिए बने रहिए और हम दिखाते हैं। मैं आ चुकी हूँ ऊपर और धूप देख सकते हैं आप सभी, बहुत अच्छी वाली हुई है पर धूप में ठंडा ठंडा ऐसा लगता है कि ठंडा वाली धूप हुई है। और इधर हमारा कपड़ा है, सो मैं पहले कपड़ा डालती हूँ फिर आप सभी से बात करूँगी। अभी मैंने कपड़े डाल दिए और देख सकते हैं बहुत सारा कपड़ा था इधर, रेन कोट वोट भी था धोना। अब तो मौसम मतलब चेंज हो गया, बारिश नहीं होने वाली, इसलिए मैं छत पे जब भी आती हूँ ना तो पानी देती हूँ। पता नहीं हमारे पौधों को क्या हो गया है और ऐसे मतलब सूखे सूखे से हो गए हैं इनको, कि ना हरा भरा होना चाहिए था और था भी, पता नहीं धीरे धीरे करके ना ये हमारा एक पौधा था जो एकदम से ही सूख गया और हमारी ये तुलसी पौधा था वो भी सूख गया। पता नहीं क्या हो रहा है, सारे पौधे मतलब बहुत सारे ऐसे पत्ते भी दिख रहे होंगे। और मैं जब भी छत में आती हूँ ना तो पानी ज़रूर देती हूँ शाम सुबह, और फिर भी ये क्यों सूख रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे देख सकते इसमें एक गेंदा का फूल था वो भी सूख गया, और ये अपराजिता ही भी पता नहीं इसको क्या हो गया, अपराजिता को भी अच्छे से नहीं हो रहा है पता नहीं। और इधर भी एक पौधा था, ये हमारा कड़ी पत्ता जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी पता नहीं इसको क्या हो गया, ये भी सूख रहा है नीचे से हरा भरा। लेकिन मैं रोज़ पानी देती हूँ, ऐसा नहीं इनको पानी नहीं देती हूँ। और एक ऊपर से मैं दिखाती हूँ, एक ऊपर में चढ़ाई थी वो जो डिश में फंसा हुआ है, लेकिन ये पौधा भी ना पता नहीं क्या हो गया, इन लोग को सब सूख गए हैं, बहुत टेंशन हो रहा है पौधों को देख के। इतना अच्छे से लगाई थी मैं, अभी क्या कर सकते हैं, जा रही हूँ नीचे, अभी धूप लगने लगी 10 मिनट रुकने के बाद, नहीं तो आई तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं जा रही हूँ नीचे अभी। अभी जाती हूँ नीचे, उसके बाद बनाएंगे चाय। और अभी ज़्यादा ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि चल रहा है मोटर जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है पीछे से, मतलब तीसरे फ्लोर पर फिर भी नीचे से बात इतना तेज से आ रहा है कि बात नहीं कर सकती। हम चल रहे नीचे, उसके बाद बनाऊँगी चाय फिर आप सभी से बात करती हूँ। छत से नीचे आ चुकी हूँ और फिर नीचे आने के बाद मैं सीधा किचन में आई और चाय बनाने के लिए, मैं बोली थी जैसा कि चाय बनाऊंगी, तो चलिए दिखाती हूँ। मैं चाय तो बना रही हूँ, मतलब दिख रहा है नहीं दिख रहा कौन का प्रॉब्लम है, तो ये मेरा लाल चाय बन रहा है और मैंने इधर कढ़ाई दे रखी है और मैं ऐसे ही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिखाते हैं, मैं दिखाती हूँ अच्छे से आप सभी। ले लिया एक कढ़ाई और चाय के साथ बना खाने के लिए हमने कुछ ऐसे बना रहे हैं, और एक हमने हरी मिर्ची इसमें डाला और हरी मिर्ची हमारी ना हल्की सी फ्राई हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, ऑलरेडी नमक होता है। और इसमें हम फ्राई करेंगे मुर्गी, तो ऐसे कौन कौन फ्राई करता है, पर मुझे ना ऐसे फ्राई करके खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी भी हो जाता है ये फ्राई करना, ऐसे तो नहीं होता है पर ऐसे खाइए ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। इसको ज़्यादा नहीं करना होता तो सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तो फ्राई रहती ही है, पर ऐसे कर देने से ना काफ़ी टेस्टी हो जाती है। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, अब ये फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा नहीं करना है बस 1 मिनट ही लगता है, टाइम भी नहीं लगता क्योंकि तो ऑलरेडी मतलब रहती है फ्राई, पर अभी हो चुका है तो हम इसको निकाल लेते हैं। और अभी हमारी चाय भी बन चुकी है लाल वाली,
हमारा कप तो एकदम फुल हो गया अचार से, पर कोई नहीं, मूली के साथ खाना है तो अच्छा ही लगेगा ये। अब इसमें लास्ट चीज है नींबू। आज हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि ये मूली के साथ में खाऊंगी, तो इस वजह से। हमने बहुत सारा मूली बनाया है जो कि एक प्लेट है, पर पूरा नहीं फिनिश होगा, और लेके चलती हूँ इसे मूली और चाय। अभी मैं लेके आ गई अपना मूली, चाय और पानी। सबसे पहले पानी ही पीती हूँ। उसके बाद अपना मूली टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लग रहा है ये, पर बहुत टेस्टी होता है पहले से ही पता है। कसम से बहुत बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है ऐसे भी। चाय के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर हमारी छोटी सी वीडियो ना आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करें।